सर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मुझे समय दिया। ये 20 करोड़ भोजपुरी बोलने वालों की भावना से ये जुड़ा हुआ है। सर, इस देश में करीब 20 करोड़ लोग भोजपुरी बोलते हैं और करीब 7-8 करोड़ लोग विदेशों में बोलते हैं। ये भोजपुरी बोलने वालों की एक बहुत दिनों से एक भावना है कि उनकी भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में जोड़ा जाए, कि इसको जो सम्मान मिलना चाहिए वो मिल सके। भोजपुरी ना केवल भारत में बल्कि मॉरिशस में, सूरीनाम में, युगांडा में, मालदीव में, नेपाल में बोली जाती है भाषा। और विशेषकर सर, नेपाल और मॉरिशस में इसको संवैधानिक स्तर भी दे दिया गया है। तो मेरे को ये आपसे अनुरोध करना है सर, ये बात संसद में 69 से उठाई जा रही है, 50 दशकों से इसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं कि इसको 8वीं अनुसूची में डाला जाए। सर, एक अंत में बस कहना चाहता हूं सर, पिछली बार यूपीए सरकार में उस समय के गृह मंत्री जी ने, जो कभी कभी हिंदी भी नहीं बोलते हैं लेकिन भोजपुरी में उन्होंने बोला था कि हम रउआ सभी के भावना के समझता बानी, लेकिन उसके बाद सर कुछ हुआ नहीं। थैंक यू। मुझे सर बस एक बात कहनी है, मैं अनुरोध करना चाहता हूं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी से कि देश विदेश में बसे करोड़ों भोजपुरी बोलने वाले की भावनाओं को समझे और जल्द से जल्द ऐसा विधेयक लाकर भोजपुरी को 8वीं सूची में रखा जाए। धन्यवाद सर।